हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम कुछ टूल्स की बात करेंगे, प्लेट की बात करेंगे, स्लैब की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, सबसे पहला है हमारा सिलेंडर का कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक सिलेंडर हम कैसे मॉडल करें स्टैट प्रो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट स्पेस सिलेंडर। नेक्स्ट थिकनेस। देखिए, हमें एक सिलेंडर बनाना है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, वाई डायरेक्शन। तो इस तरीके से सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रेडियस चाहिए। Z में ले सकते हैं रेडियस, ये Z में मान लीजिए रेडियस है इसकी। मान लीजिए 10 मीटर ढाया है तो 5 मीटर रेडियस हो गई। ठीक है, और ये जो सर्कल है किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये X के अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो हमें एक 5 मीटर की रेडियस चाहिए Z डायरेक्शन में, जिसको रोटेट कराना है हमें X डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो Z मैंने एक जॉइंट बनाया, क्लोज नॉट कर्सर से इस जॉइंट को मैंने जेड में 5 मीटर लिंक। अब इस लाइन को सिलेक्ट करना है मुझे और जाना है सर्कुलर रिपीट टूल। तो मैंने कहा था ये एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगा, 360 एंगल 20 ले लेते हैं हम इसके स्टेप लिंक, और सेंटर ये वाला जॉइंट बना लेते हैं। देखिए, एक सर्कुलर शेप बन गई। अब क्योंकि हमें सिलेंडर बनाना है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होगा 20 मीटर। मान लीजिए ये 20 मीटर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, एक्स। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट रिपीट टूल से एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर लिंक। ये एक सिलेंडर बन चुका है 3D में अगर आप देखेंगे। ठीक है, अब इस सिलेंडर को हम बनाएंगे बाय प्लेट। अभी ये बीम के वजह से बना हुआ है, तो देखिए इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके न्यू व्यू। ठीक है, और फ्रंट व्यू चले आते हैं। देखिए प्लेट आइकन होता है ये ग्रीन वाला, तो ये से मैं कर्सर ले आ रहा हूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, 4 नोड प्लेट, यानी कि 4 जॉइंट चाहिए इस प्लेट को बनाने के लिए। ठीक है, और हमें बनानी कहाँ प्लेट, मुझे बनानी है ऐसे प्लेट। इसमें कितने जॉइंट हैं, 1 2 3, इसमें 3 जॉइंट है, और ये तो 4 प्लेट की बनती है, 4 जॉइंट की बनती है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके होल्ड करेंगे। अब ये ट्राइगन प्लेट आ गया, उस पर क्लिक करके हम बना सकते हैं इसे 1 2 3। ठीक है, इस कैप दबा देंगे। अगर आप 3D में देखेंगे इसे, तो देखिए एक प्लेट बन चुकी है। अब इस प्लेट को हम सेलेक्ट करेंगे प्लेट कर्सर से, नॉर्मल कर्सर से सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लेट कर्सर। ये क्या है आपका प्लेट कर्सर, प्लेट को सिलेक्ट करने के लिए। तो इस पर क्लिक करके प्लेट सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सर्कुलर रिपीट कर देते हैं, इसे रिपीट कर देते हैं, सारे प्लेट बन जाएगी। ठीक है ना, तो सर्कुलर रिपीट किसके अबाउट रोटेट हो रही है, एक्स के। कितने स्टेप, 20 स्टेप, 360, तो सेंटर ये। ओके,
ये देखिए प्लेट बन चुकी है सारी 3D में। अगर हम इसे देखते हैं तो देखिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फुल स्ट्रक्चर लेते हैं और इस प्लेट को 20 मीटर ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वहां पर भी बन जाएगी एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर। देखिए अब 3D में देखते हैं, ये देखिए अगर हम बीम को भी प्रॉपर्ली देखें किस तरह से दिखेगा ये। मैं एक बीम्स इनको बीम्स को सर्कुलर दे देता हूँ, 300 mm क्लोज। ये प्रॉपर्टी में किसको दे रहा हूँ, इन सबको। आप देखिए किस तरह से दिखाई देगा ये। देखिए अब अगर आप चाहते कि यहाँ पर भी मैं प्लेट लगाऊं, यानी कि यहाँ पर भी प्लेट हो चारों तरफ, तो देखिए क्या करेंगे। ऐसा करते हैं, तो बीम सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रंट व्यू पे जाते हैं, सॉरी लेफ्ट व्यू पे जाते हैं और तो बीम सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यू और हम इसे लेंगे अब 4 नोड वाली, इस पर होल्ड किया, 4 नोड, 4 नोड से हमने प्लेट बना दी, ठीक है। अब प्लेट का सेंटर सेलेक्ट करना है, सेम वही सर्कुलर रिपीट, लेकिन अभी एक्स के अबाउट रोटेट होगा, 20 स्टेप्स होंगे, ठीक है। अभी पूछ रहा है सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये होगा, देखिए 3D में, तो ये सिलेंडर बन चुका है आपका। अब हम देंगे प्लेट को थिकनेस, अगर इसकी कोई थिकनेस भी होगी तो देखिए प्रॉपर्टी के नीचे, प्लेट को अगर थिकनेस देनी थी, प्रॉपर्टी के नीचे है आपका थिकनेस का, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और ये प्लेट है, सरफेस की बाद में बात करेंगे। तो चारों कॉर्नर्स आप यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, है ना, तो बस यहाँ पे डालिए, जैसे मैं डालते हैं 150 mm थिकनेस, सब में 150 हो जाएगी। एड क्लोज, इसको मैं असाइन टू व्यूअर, अब थिकनेस मिल चुकी है, ये देखिए। इसको अगर यहाँ देखना चाहते हो आप डायग्राम के रूप में 3D फुल सेक्शन, तो यहाँ बढ़ गया, ठीक है। अब अगर आपको ये रोटेट कराना हो, सीधा खड़ा बनाना हो, तो बना सकते हो, लेकिन इसी को अगर रोटेट करना है हमें, तो देखिए ये इस तरह से है, ये कौन सा एक्सिस है आपका, एक्स, ठीक है। इसको हमें 90 डिग्री पे ऐसे करना है रोटेट, ठीक है। तो रोटेट एक्सिस क्या होगा, रोटेट एक्सिस होगा ये आपका, ये वाला, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो देखिए कैसे होगा। इस कर्सर से आपका सब चीज सिलेक्ट जाएगी, सॉरी इस कर्सर से, ठीक है। अब हम रोटेशन टूल पे गए, 90 डिग्री है ये आपका, मैं चाहता हूँ किसके अबाउट ये रोटेट हो, इसके रोटेट हो चुका है, तो इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिलेंडर, तो ये था आपका सिलेंड्रिकल मॉडल। अगर आप सपोर्ट लगाना चाहते हो नीचे, तो यहाँ सपोर्ट भी लगा सकते हो, मान लीजिए फिक्स है बेस से, तो एक सपोर्ट बनाते हैं,
आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका सेंडिंग ऑर्डर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या है आपका? FEM मॉडलिंग, ठीक है, उसके बाद स्नैप प्लेट, एड प्लेट, क्रिएट इनफिल, इनके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।